झुकना एक कला है, अकड़ना कला है, कलह कलेश, सरल स्वभाव बना। लेकिन ये भी याद रखना, झुकने योग्य जहां है वहां झुकना, अनावश्यक चरित्रहीन को झुकने से आपका नुकसान होगा। चरित्रवान को झुको, गुणवान को झुको, महान को झुको, भगवान को झुको, मेहमान को झुको, रिश्तों में जो बड़ा हो उसको झुको। लेकिन जो भ्रष्ट है चरित्र से, बस सस्ती राम राम कर लो। ऐसा नहीं जो भी आ गया गोबर गणेश दंडवत पड़े, जो भी आ गया उल्लुल जुल्लुल लेकर आरती खड़े, आरत हो गुरु आरत हो, ऊपर से खोपड़ी भारत हो। अरे महान व्यक्तियों की आरती की जाती है, महान पुरुषों की, भगवत पुरुषों की, देव पुरुषों की, सद्गुरुओं की आरती होती है। नशा व्यसन से मुक्त हो, शुद्ध वैराग्य हो, शुद्ध ब्रह्मचर्य हो, सब दुख दूर कर देगी आरती। महामंगल आरती आपके घर में मंगल लाएगी। मंगल मूल है मंगल दमनु, सेवक सदरन स्वामी आगमनु, मंगल भवन है मंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। तो इस चंचल मन को वश में करो। व्यास गादी विद्यार्थियों से कहेगी, अपने मन को संभालो, फिर सबको संभल जाएगा। जवानों को संदेश देती है व्यास गादी, जवानी एक विशेष ऊर्जा प्राप्त हुई है और जवानी में मन बड़ा उद्वेग करता है, इस मन को समझा लो, संभल संभल करके चलो। जवानी का फिसला हुआ व्यक्ति बुढ़ापे में ठोकरें खाता है और बचपन का चंचल मन जवानी में भटकाता है, और बुढ़ापे में जो नहीं संभल पाया मृत्यु भी उसकी दर्दनाक होती है, और मृत्यु के समय भी चेतना जागृत नहीं हुई तो अगले जन्म में भी आत्मा भटकती रहती है। दिवसे नयो तत्कुर्यात एन रात्रौ सुखम वसेत, या अष्टमासेन तत्कुर्यात एन वर्षा सुखम वसेत, पूर्वे वयस तत्कुर्यात एन प्रेत्य सुखम वसेत, यावत जीवेन तत्कुर्यात एन वृद्धा सुखम वसेत। विदुर जी कहते हैं, दिन में वह काम कर लो जिससे रात को सुख से सो सको, ऐसा काम मत करो कि रात भर टेंशन रहे। 8 महीने में वे सब काम पूरे कर लो जिससे वर्षा के 4 महीने आराम से छत के नीचे रह सको, रात में पानी बरसे खटिया खींचते मत रहो, इधर छू रहा उधर छू रहा टपक रहा। 8 महीने क्या कर रहे थे, तैयारी करो, मेहनत करो, उन्नति करो, मकान ठीक ठाक बना लो। और पूर्वे वयस तत्कुर्यात, बचपन जवानी में वो काम पूरे कर लो जिससे बुढ़ापे में सुख से रह सको, और पूरी जिंदगी में यावत जीवेन तत्कुर्यात एन प्रत्य सुखम बसेत, पूरी जिंदगी में वह सब कम काम कर डालो जिससे दुनिया से हंस हंस कर मर सको। बहुत लंबी जिंदगी मिली है, 100 साल, 50 साल, 80 साल, ये कितना लंबा जीवन। जिंदगी में पीछे मुड़कर देखिए कितना जी चुके हो, कितनी उम्र हो गई। आज मैंने पूछा मिश्रा जी से, आपकी उम्र 57 साल है, बोले नहीं 66 साल। तो मेरी उम्र कितनी, 57 साल, तुम्हारी कितनी, 52 साल, तुम्हारी कितनी, 58 साल, तुम्हारी कितनी, 85 साल। समय जा रहा है, उम्र जा रही है धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। गाइए गाइए, उम्र धीरे धीरे, पल पल युवा ठो, पल पल युवा ठो, पहर धीरे धीरे चली जा रही है।
धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, पल पल युवाठ हो पल पल युवाठ हो, पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठो पल पल यूं आठो, पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय, साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। जिंदगी में तुम कुछ करो या ना करो, जिंदगी आपका इंतजार नहीं करती है। जिंदगी का अंतिम पड़ाव धीरे धीरे आ जाता है। जीवन में दो प्रकार का धन कमाना चाहिए, एक तो भौतिक धन दूसरे आध्यात्मिक धन। भौतिक धन से शरीर का निर्वाह परिवार का पालन पोषण होता है, आध्यात्मिक धन से आत्म कल्याण होता है, आत्म शांति मिलती है, चंचल मन वश में होता है। जो विद्यार्थी अपने मन को वश में करता है वो सफलता के शिखर को छूता है। विद्यार्थी को मोबाइल के आकर्षण से भी बचना चाहिए, अधिक नींद से भी बचना चाहिए, आलस्य से बचना चाहिए, फैशन और व्यसन से बचना चाहिए। विद्यार्थी को घूमने की आदत से भी बचना चाहिए, विद्यार्थी को अधिक खाने की आदत भी छोड़ना चाहिए, और विद्यार्थी को गुस्सा से बचना चाहिए। अधिक गुस्सा करने वाले विद्यार्थी की बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है, अधिक खाने वालों की बुद्धि कम हो जाती है, अधिक सोने वालों का टाइम लॉस हो जाता है, और जो अधिक मोबाइल में चिपके रहते हैं उनका मन इतना चंचल हो जाता है, इंद्रियां बेकाबू हो जाती हैं, छोटी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। मोबाइल में प्रवचन सुनिए, मोबाइल में भजन सुनिए, मोबाइल से सिर्फ आवश्यक बात करिए, मोबाइल में लड़कियों से सेटिंग मत बनाइए, लड़कों से सेटिंग मत बनाइए, लड़कियां बहुत सावधान हो जाए, मोबाइल तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है। चुपके चुपके लड़कों का नंबर लेकर छत के ऊपर जाकर रात में टेढ़ी टांग करके बात करना तुम्हारे चरित्र का नाश कर देगा, पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाएगी।
मोबाइल से चरित्र को बचाओ। साधु संत को भी मोबाइल से सावधान रहना चाहिए कि पहले साधना करना सरल था, लेकिन जब से मोबाइल आया है बड़ा कठिन। मोबाइल में नंगी नंगी स्त्रियों के चित्र हैं, विषय भोग करते हुए चित्र हैं, ना मालूम कैसे कैसे जानवरों के सब चित्र हैं। मोबाइल में इतने गंदे वीडियो पड़े हुए हैं। साधु संत स्वयं साधना करे तो करे, नहीं वो भी बर्बाद हो जाएगा। साधु संत को भी मोबाइल में चिपकना नहीं चाहिए। अगर उसका गुरु मोबाइल ना दे तो कोने में बैठ के रोना नहीं चाहिए, हाय रे हमका मोबाइल नहीं दे गुरु जी, ऐसे रोना नहीं चाहिए। अरे मोबाइल के लिए हम साधना नहीं कर रहे। और साधु संत को भी मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। किसी लड़की को फोन लगा करके बात करने की जरूरत नहीं, अपने काम से काम करो। आप अपनी भाषा बोलो, प्रोग्राम की जरूरत है तो बात कर लो। किसी भक्त का फोन आया धन्यवाद दे दो, गुरु का हालचाल बता दो। ये घंटों उसमें चिपके रहना, और का हालचाल, और का हालचाल, और का हालचाल, तुम्हारी भैंस की चारों टांगे सब ठीक हैं और तुम्हारी पत्नी के छह टांगे रहें हैं छह कि नहीं हैं, ये सब फालतू बात करना बहुत गलत बात है। साधु संतों के लिए भी बहुत खतरा है। मोबाइल अच्छी चीज भी है, समुद्र पार अमेरिका से एक सेकंड में बात कराता है, लेकिन मोबाइल तुमको वासना के समुद्र में डुबा भी देगा एक सेकंड में। मोबाइल के यूट्यूब में गुरु का प्रवचन सुनो। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जो मोबाइल के यूट्यूब में गुरु का प्रवचन सुनते हैं, सुन चुके हैं, दोनों हाथ उठाकर बताइए। वेरी गुड, बहुत धन्य हो। 90% लोग सुनते हैं, तुम भाग्यशाली हो। संसार में दारू भी है, दूध भी है, जहर भी है, टॉनिक भी है, घी भी है, गोबर भी है। खाना क्या है, किसको कैसा यूज करना है, विवेक करना चाहिए। कचड़ा पचड़ा लफड़ा झगड़ा सब कुछ संसार में है, आपको उसमें से क्या चुनाव करना है। पवित्र मन को रखिए। साधु संत को संतोषी भी होना चाहिए और साधु संत को वैराग्य में दृढ़ रहना चाहिए। साधु संत को अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करना चाहिए। याद रखना, संसार तो अज्ञानी है, लेकिन तुम ज्ञानी हो, तुम अपने को बचाओ, तुम ब्रह्मचारी हो, पूरा जगत ब्रह्मचारी नहीं है। आपको अपने को बचाना है। जिसके पास धन है उसको ही बचाना है, जिनके पास धन है ही नहीं उनको क्या बचाना है। कहीं ये मन रूपी चोर, ये चंचल डाकू तुम्हारे ब्रह्मचर्य धन को लूट न ले। कहीं तुम्हारी बुद्धि तर्क वितर्क करके तुम्हारी भक्ति को खाकर खत्म न कर दे। इसलिए बुद्धि में विवेक जागृत कीजिए। अपने घर में भी बहुत तर्क वितर्क कुतर्क मत करिए। थोड़ा अपनी पत्नी की बात को भी सुनिए, पति की बात को भी सुनिए, और जिनके साथ में हमेशा रहते हो थोड़ा बातें कम भी कीजिए। नहीं बात बात में वाद विवाद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चर्चा की जरूरत नहीं, थोड़ी प्रेम चर्चा कर लीजिए। एक निष्ठ रहिए, डगमग मन हटाइए, स्थिर मन कीजिए। मन लगाकर ससुराल में रहिए, मन लगाकर आश्रम में रहिए, मन लगाकर साधना कीजिए, मन लगाकर अपने घर बार की व्यवस्था संभालिए। डावाडोल मत रहिए, डगमग छाड़ दे मन बौरा। कितने लोग साधु बन जाते हैं, उनकी डगमगाहट खत्म ही नहीं होती। 6 महीना लंगोट बांधते फिर कहते हैं घर की याद आ रही है। ये कौन सी साधना है भाई, तुम्हारे ही घर है, सबके घर है, घर ही छोड़कर आए हो, घर का मोह नहीं छोड़े, अभी घर की याद क्यों आ रही है। फिर तुम्हारे गुरु को भी घर की याद आ जाए तो सारे चौपट हो जाए। वैराग्य यानी वैराग्य,
अब तुम्हारा जीवन धर्म के लिए होना चाहिए, भक्ति के लिए होना चाहिए, जगत सुधार के लिए होना चाहिए, स्वयं की साधना के लिए होना चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए जिंदगी होनी चाहिए। साधु के जीवन का कण कण क्षण क्षण धर्म की रक्षा के लिए होता है, धर्म को बचाने का काम साधु करता है। साधु के अलावा और धर्म की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा? फिर साधु भक्त को खड़ा करता, वो धर्म की रक्षा करता। जय जय।